गुड इवनिंग एवरी वन दिस इज़ मयंक फ्राम ग्रो योर पैसा तो ये जो अभी आप, आप सामने देख रहे हैं ये निफ्टी का एक हफ्ते पहले का चार्ट है ये फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई थी पिछली बार वो उन्नीस एक सौ तिरासी पर हुई थी और अब इस बार जब शुक्रवार बंद हुआ तो उन्नीस तीन सौ चौबीस से बंद हुआ तो टेक्निकली वी हैव अ गेन ऑफ अराउंड अराउंड क्लोज टू वन परसेंट अगर आप इसको मंडे की ओपनिंग से देखेंगे तो हमने कुछ ज़्यादा गेन नहीं किया हम फ्लैट रहे हैं पूरा हफ़्ता मार्केट भरा और आखिरी के फ्राइडे को आखिरी दिन उसने सब कुछ ऑलमोस्ट दे वापस दे दिया तो ये इंडिकेट अब कुछ नेगेटिव भी नहीं करता है बट पॉजिटिव भी ये नहीं करता है और इनफैक्ट ये बताता है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू मार्केट में हो गई है अब ये कब तक रहेगी और कैसे इसको भापना है कि ये कोई क्या डीप करेक्शन है या फिर करेक्शन पूरी हो चुकी है और अब मार्केट वापस आएगी इसके हम हम कुछ इंडिकेटर्स को आज डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपके पास निफ्टी बैंक का भी दिखाया तो निफ्टी बैंक का अगर आप देखेंगे तो वही सेम कहानी है अगर मैं इसको आ, फ्राइडे पिछले से पिछले फ्राइडे इवनिंग की क्लोजिंग से देखता हूँ तो हमने फ्लैट ऑलमोस्ट सौ पॉइंट की पूरी गेन ली है पूरे हफ्ते जो कि कुछ नहीं है निफ्टी बैंक के हिसाब से अगर मैं इसको देखता हूँ सुबह की ओपनिंग से जो कि सुबह सेवन नौ बजे सोमवार को सुबह की थी तो वहाँ से बैंक निफ्टी जो है तकरीबन तकरीबन एक परसेंट नीचे बंद हुआ है तो अगेन द सेम थिंग यहाँ पे तो बल्कि प्रॉफिट बुकिंग दो दिन पहले शुरू ही शुरू हो चुकी थी तो चार तारीख को ही शुरू हो गई थी और बल्कि हमारी निफ्टी ने जो है सात तारीख को जाके पीक किया था दीज ऑल आर वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट दैट मार्केट इज नाउ सींग करेक्शन वो करेक्शन क्यों है वो करेक्शन इसलिए भी है कि हम हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स जितने मज़े अच्छे रहे हों मगर ग्लोबल मार्केट्स में हड़कंप है हड़कंप इसलिए है क्योंकि जितना भी डेटा यूएस से आ रहा है उस डेटा में कहीं पे भी अभी तक ये साइन नहीं आया है कि वहाँ पे मंदी आ, मतलब आ चुकी है जो कि फेड चाहता है वहाँ पे कहीं भी ये भी नहीं आ रहा है कि जॉब्स डेटा में कहीं पे नहीं आया कि जॉब्स क्रिएशन कम हुई हों इसीलिए क्योंकि वहाँ महंगाई दरें अभी भी थोड़ी सी हाई हैं तो फेड के अगले आ, से, मीटिंग में जो कि अगस्त में होनी है उसमें तकरीबन तकरीबन जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट का हाइक निश्चित है यूरोप से भी सेम घटनाएं हैं यूक्रेन रशिया वॉर में अभी एक्सक्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं तो ऑल इन ऑल द ग्लोबल सिचुएशन अभी बहुत अच्छी नहीं है इसके बीच में आप अकेले भागे जा रहे हो अच्छी बात है भागना चाहिए हमारे हमारे फैक्टर डोमेस्टिक फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर हम कितने हद तक भागेंगे और ये डेवियंस कितना होगा ये कैन मतलब इसका एक लिमिटेड एक गैप हो सकता है यू नो उसके बाद हमारी मार्केट्स व अकेले अपने आप से भागती नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है आप हमारा अब वो ग्लोबल सिस्टम से हम लोग इंटीग्रेट हो रखे हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम अकेले चलते रहें ऊपर बाकी ग्लोबल मार्केट्स नीचे 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 को मतलब चले तो इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग का मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा कहाँ तक जा सकता है इसको देखने के लिए कुछ लेवल्स देखने का ट्राई करते हैं तो देखिए अब ये तो खैर बहुत आगे का हो गया नहीं बैंक निफ्टी के लिए मगर एक जो लेवल है चालीस हज़ार पाँच सौ से सात सौ के बीच में रहेगा जहां आपको कुछ सपोर्ट आ रहा दिख सकती है और इसके बाद अगला है आपका चौलीस हज़ार एक सौ दो सौ आप याद करो ये हमारा एक रजिस्टर भी होता था चवालीस हज़ार चालीस हज़ार एक सौ का क्योंकि तो जब इसने जब बीट किया यहाँ पर तो एकदम से रैली आई थी हज़ार डेढ़ हज़ार पॉइंट की तो बैंक निफ्टी के लिए चवालीस हज़ार सात सौ का और फिर चालीस हज़ार पाँच सौ छः सौ का लेवल चार सौ पाँच सौ लेवल पर आप सपोर्ट मान सकते हैं इसके आगे तो नहीं है फिर तो नहीं आप सीधा चवालीस हज़ार रुपये गिरेंगे निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे तो एक चवालीस हज़ार आई थिंक दो सौ या एक सौ क्या हाँ तो चवालीस हज़ार दो सौ ढाई सौ का एक सपोर्ट है उसके बाद एक उन्नीस सॉरी उन्नीस हज़ार दो तीन सौ का, का एक दो ढाई सौ का एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट जाके आपका आतरी मनमन बन जाके उन्नीस या जा एक सौ पे इसके नीचे तो फिर मतलब अठारह हज़ार आठ सौ पे जाके हम पहुँचेंगे जो जितना गेन लिया उतना वापस तो अब देखना है कि इतना डीप एक्शन आता है नहीं आता है। मगर अपने लेवल पे अभी हम कुछ भी जाके जो है कहते हैं ट्रेड लॉन्ग और शॉर्ट में नहीं करेंगे अभी दूसरा अभी जो रिलायंस की जो भी न्यूज़ आई है वीकेंड पे डी मर्जर की उसका भी इम्पैक्ट कल मार्केट में क्या आएगा वो देखना बाकी है <coughs> तो इसी आई थिंक कल के लिए तो अभी आराम से बैठना ही सही रहेगा हाँ यार निफ्टी वापस जाके उन्नीस हज़ार पाँच सौ ऊपर क्लोजिंग दे रहे तो शायद हम लॉन्ग जाने सोच सकते हैं मगर नहीं अभी के लिए नहीं तो हम अपना आराम से बैठते हैं देखते हैं मार्केट क्या करता है और उसके बाद ही कहते कॉल लेंगे स्टॉक वाइज़ दो एफ स्टॉक नहीं वीक लग रहे हैं कि नेस्ले और एक आपका जो है ब्रिटानिया तो आपका नेस्ले जो है तकरीबन तरीबन मुझे बाईस हज़ार चार पाँच सौ का लेवल पे आता दिख रहा है वॉल्यूम भी इसमें हाई रहा है और एक जो कैंडल मैं दिख रही है आ, तो ये कैंडल यही शो कर रही है कि तकरीबन थर्सडे से ही जाके जो है कहते हैं इसमें सेलिंग आनी शुरू हो चुकी थी और सेलिंग का दबाव भी तेज़ है तो एक बार हो सकता है ये उन्नीस बाईस हज़ार चार सौ पाँच सौ तक ऊपर जाए सो तो अगर हमें कल कोई रैली मिलती है मिलती है कि जहाँ पर ये तेईस हज़ार के ऊपर ट्रेड करने वाली कोशिश करता है तो शॉर्ट कर दीजिए तेईस हज़ार दो सौ का लगा देंगे स्टॉप लॉस और बाईस हज़ार चार पाँच सौ का हमारा होगा टारगेट तो इन्होंने हम लोग वन वन एस टू थ्री की रेशो में खड़े हैं रिस्क रिवॉर्ड में जो कि फेवरेबल है ऐसे ब्रिटानिया का भी कुछ कुछ ऐसा ही है ब्रिटानिया में देखेंगे तो अगेन सेम चीज़ थर्सडे को गिरावट शो हो चुकी थी फ्राइडे को उसने कंसम्पशन दे दिया यहाँ भी आपको तो मैंने जाके जो है मतलब उनचास सौ दस बारह तेरह का एक मतलब उनचास सौ दस से बीस के बीच में एक टारगेट है तो सुबह कल हमको कहीं ऊपर चढ़ता दिखे और कहीं आपको दिखे कि इक्यावन सौ का तो घूम रहा है सुबह सुबह तो शॉर्ट कर दीजिए बावन सौ का स्टॉप तो लगा दीजिए और उनचास सौ का टेक आपका हो गया टारगेट तो वन एज टू फोर की रेशो यहाँ पे भी है तो ये दोनों ट्रेड्स अपने आप में अट्रैक्टिव हैं उनको लेने का आप ट्राई कर सकते हैं तो बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे एक बार रिलायंस का भी कल न्यूज़ आ जाए और आ, हम कुछ कुछ आपको स्टॉक रिजल्ट रिलेटेड भी करते हैं कल या परसों से जाकर रिकमेंडेशन देना शुरू करेंगे दीस् थैंक यू वेरी मच गुड नाइट बाय